ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मुगल साम्राज्य से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को आप विजिट करें। पहला क्वेश्चन है, शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था, तो इसका हो जाएगा कोषाध्यक्ष, ए आंसर हो जाएगा सही। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था, तो भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना, ए आंसर सही होगा। उसके बाद 142, किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, एक जराछिन मृत्युमुख में पहुँचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण आभूषणों से भरा टुकड़ा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास भटक या फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। अब्बास खां सरवानी, ये आंसर इसका सही होगा, अब्बास खां सरवानी। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनिया थी, यह किसकी उक्ति है, के आर कानूनगो। शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ क्या सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि डी, भू राजस्व की दर का उपज 1/6 तय किया गया, डी आंसर सही होगा। शेरशाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं सोना चांदी और तांबा, ए आंसर सही होगा 145 का ए। 146, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था, तो शेरशाह द्वारा। अमरकोट या उमरकोट के राजा बिरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था, तो अकबर का जन्म हुआ था, सी आंसर है। हमीदा बानू बेगम थी, तो हमीदा बानू बेगम अकबर की माता का नाम था, इसका ए आंसर सही होगा। और है, अकबर के संरक्षक बैरम खान का पतन कब हुआ, तो 1560 ईस्वी, इसका सी आंसर होगा। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो इसका हो जाएगा ए आंसर, आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, 150 का ए। 151 का है, पर्दा शासन 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेवार अतका खैल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्यता थी, तो माहम अनगा, ए आंसर इसका सही होगा, माहम अनगा। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया, तो मालवा विजय से, ए इसका आंसर सही होगा, मालवा विजय। उसके बाद है, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा है, तो इसका हो जाएगा गुजरात अभियान। अब कह रहा है 154, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था, तो इसका हो जाएगा आंसर डी, असीरगढ़ का विजय अभियान। उसके बाद है, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए, तो यह यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय मारे गए, इसका बी आंसर होगा। 156 है, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है, तो इसका देखिए, ये सभी अकबर द्वारा किए गए कार्य थे। दास प्रथा की समाप्ति यह 1562 ईस्वी में,
तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में, जाजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में, और सूबों का पुनर्गठन 1580 ईस्वी में। तो इसमें इसका ए आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद सुमेलित करना है फिर सूची ए का सूची बी से। ये सब भी अकबर द्वारा किए गए कार्य हैं। करा इबादत खाना मान धर्म संसद की स्थापना 1575 में, मजहर की घोषणा 1579 में, नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580 ईस्वी में, दीन इलाही की घोषणा 1582। तो इसमें मेल बी से इसका बी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है 157, फिर इसको सुमिलित करना है सूची ए को सूची बी से। देखिए ये है क्लोरी की नियुक्ति, तो 1573 दहशाला बंदोबस्त लागू 1580 में हुआ था, इलाही संवत का प्रचलन 1584 में हुआ था, और इलाही गज का प्रचलन 1587 ईस्वी में हुआ था। 1, 2, 3, 4 इसका ए आंसर सही होगा। अब है 159 नंबर क्वेश्चन। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा, तो बदायूनी। इसका बी आंसर सही होगा। एक बार और सुनिए, बदायूनी। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी थी, तो बीरबल को। उसके बाद 161, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी, तो इसका हो जाएगा वीर सिंह बुंदेला ने। इसके बाद है दहशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है, तो दहशाला बंदोबस्त टोडरमल से संबंधित है। इसका सी आंसर होगा। कह रहा है अकबर ने किसे कष्टा भरणवाणी विलास की उपाधि दी थी, तो इसका हो जाएगा तानसेन। बी आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।